नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूँ संपा। आज का इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी बहुत ही इजी तरीके से पॉप बाजू। तो मैं यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर लिया है और मेन कटिंग जो है वो मैं अस्तर के ऊपर कटिंग करके दिखाती हूँ। मेरा ब्लाउज का जो आस्तीन का लंबाई है वो 9.5 इंच रेडी रखना है। 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया और देखिए 10 इंच पर मार्क करने का और 6 इंच जो है पॉप के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। तो यहाँ पे अभी 10 इंच पे मार्क कर लेने का है और ब्लाउज का देखिए 6 इंच मैंने पॉप के लिए रखा और चौड़ाई जो है वो है 9 इंच। तो 38 साइज के लिए मैं 9 इंच चौड़ाई रखा है। तो आप देखिए नीचे का मोरी जो है वो मेरा 5 इंच है और 1.5 इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन पकड़ के 6.5 इंच पर निशान करने का है। तो अभी देखिए 2 लाइन को मिला लेने का है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है नॉर्मल आस्तीन जिस तरीके से कट करते हैं, पहले नॉर्मल आस्तीन कट कर लेने का। देखिए 3.5 इंच डाउन करके मैंने कट करके बिल्कुल नॉर्मल आस्तीन की तरह मार्क कर लिया है और अभी जो है पॉप की जगह मुझे रेडी करना है। तो देखिए ये 9 इंच है, इसका आधा निकालना है, आधा 4.5 इंच पर निशान करने का है और उस लाइन सीधा सीधा ऊपर से मिला लेने का है। और अब देखिए यहाँ से शेप डालना है, पॉप किस तरीके से करना है तो उसके लिए हमें शेप डालना होगा। थोड़ा सा हाथ घुमा के अच्छे से शेप डाल के लेने का है। तो आप देखिए ये रेडी हो गया है, अब इसे कट कर लेने का है, सेंटर पे एक कट मार के रखने का। तो आप देखिए फ्रेंड जहाँ पे 4.5 इंच का निशान किया था उस जगह पे एक कट मार के रखने का, क्योंकि उस जगह से ही हमारा जो मेन जो टक्स आएगा, प्लेट आएगा, तो उस जगह से ही आएगा, तो इसीलिए वहाँ पे कट लगाने का। अभी मेन फैब्रिक के साथ अटैच करके लेने का है। उससे पहले मेरा नीचे एक लेस था आस्तीन में, तो वो लेस जोड़ के लेने का पहले। तो आप देखिए अस्तर के ऊपर, सॉरी मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने जो लेस है उसको उल्टा करके रखा है। तो अब जो अस्तर है, अस्तर भी इसके ऊपर रखना है और बिल्कुल किनारे पे इसे सिलना है। तो देखिए अस्तर को रखा और किनारे से इसे सिलना होगा। अब देखिए पलट लेने का और ये जो लेस है वो अंदर की तरफ छुप जाएगा, मतलब सिलाई जो है वो बाहर नहीं दिखेगा। और अभी ऊपर से एक बार दाब दे देने का, मेन फैब्रिक के ऊपर एक बार दाब दे देंगे तो ये बैठ जाएगा अच्छा से और लेस भी अच्छे से अटैच हो जाएगा। अभी मेन फैब्रिक के साथ अस्तर जो है वो लेस लग जाने के बाद अटैच करके लेना होगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लेने का। वापस एक बार सेंटर पे कट लगा लेते हैं और देखिए जहाँ पे 4.5 इंच का हमारा कट पॉइंट था उस जगह से हमें टास्क प्लेट लेना होगा। तो देखिए किस तरीके से मैं प्लेट लेती हूँ, एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको एक एक करके प्लेट डाल के रखने का है। तो आधा पे हम जहाँ पे कट लगाया है वहीं तक हमें एक साइड का प्लेट डालना है, दूसरी साइड का प्लेट थोड़ा सा आमने सामने डालना होता है, मतलब आधा तक
अपने तरफ वापस हमें उल्टा करके प्लेट डालना होगा। तो देखिए दूसरी साइड का भी 4.5 इंच का निशान जहाँ पे किया था उधर मैंने घुमा के वापस अपने तरफ प्लेट डाल रही हूँ, मतलब दोनों साइड का प्लेट आमने सामने हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये पूरा प्लेट रेडी हो गया है बहुत ही अच्छा से। आप मेन फैब्रिक जो मतलब मेन जो ब्लाउज़ है उसे रेडी करके रखना है, और देखिए सेंटर पे सेंटर मिलाकर हमें लगाना है। तो देखिए उल्टा कर लेने का पहला आस्तीन को और सेंटर पे सेंटर मिलाकर हमें इसे लगा लेना है। तो एक साइड लग जाने के बाद दूसरी साइड वापस सेंटर से लगाने का। और फ्रेंड्स इससे पहले हमें फ्रंट का जो कट होता है तो उसे कट करके लेना होगा, मैं यहाँ पे दिखाया नहीं है। आर्म होल का जो कट रहता है फ्रंट साइड का वो कट करके लेना होगा, उसके बाद ही जॉइन करना है। तो इस तरीका से आस्तीन जॉइन कर लेने के बाद तो रेडी हो जाएगा ये आस्तीन। तो इस तरीका का अच्छा अच्छा नया नया वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट पे ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है। मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका सभी को पसंद आया होगा।